सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र उदगीर में राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों विश्व शांति विहार का लोकार्पण। संघ कितना भी प्रयास करे तो भी प्रदेश में होगा सत्ता परिवर्तन। भाजपा के विश्वासघात पर कांग्रेस का आरोप पत्र जारी। आई देखते हैं खबर विस्तार से। महाराष्ट्र उदगीर में राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों विश्व शांति विहार का लोकार्पण। उदगीर के तरवेस परिसर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकार्पण किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विहार में गौतम बुद्ध की मूर्ति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अर्धाकृति प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर अभिवादन किया। इस अवसर पर बुद्ध वंदना भी हुई। वंदना के बाद उपस्थित बौद्ध भिक्खु ने राष्ट्रपति को गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट की। आरा में राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों कुंशीला का अनावरण व फीता काटा गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की। विशेष अतिथि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सक्षमीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, क्रीड़ा मंत्री संजय बंसोड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकर, विधायक विक्रम काले, रमेश कराड़, अभिमन्यु पवार, जिलाधिकारी वर्षा ठाकुर, घोगे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। संघ कितना भी प्रयास करे तो भी प्रदेश में होगा सत्ता परिवर्तन। नागपुर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्षी विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है। महाराष्ट्र में राजनीति कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं थी, लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ है। बहुजन समाज भाजपा से परेशान हो चुका है। इस हालात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब चाहे जितनी भी प्रयास कर ले, सत्ता परिवर्तन होना अटल है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के विश्वासघात पर कांग्रेस का आरोप पत्र जारी। नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें भाजपा के विश्वासघात की वास्तविकता को दर्शाया गया है और आरोप लगाया गया है कि वहां लोगों की आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर आरोप पत्र साझा किया, जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली से नियुक्त एक अनिर्वाचित उपराज्यपाल के पास जम्मू कश्मीर की सारी शक्ति। आरोप पत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के बयान में दावा किया गया है कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में भूमि, संसाधन और नौकरियां आवंटित की जा रही, जबकि स्थानीय लोग बढ़ती कीमतों, उच्च करों, पानी की कमी, खराब बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर के माध्यम से अधिक बिल की समस्या से जूझ रहे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों, ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS News। और आप देख रहे हैं MNS News।